जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली यह है ट्रेनिंग का पहला दिन, आप सभी को पता चाहिए आर्मी ट्रेनिंग हो, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीएसएफ या कोई सी भी विभाग की जो ट्रेनिंग होती है उसका जो पहला दिन और पहला वीक जिसको जीरो वीक बोला जाता है वो सबसे डेंजर बोला जाता है। आप सभी को पता होगा ट्रेनिंग के पहले दिन से सभी को डर लगता है कि पता नहीं ट्रेनिंग कैसी होगी, पहले दिन से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, ट्रेनिंग में कितनी रनिंग होती है, पहले वीक में कितनी रनिंग होती है, दिन में कितने घंटे दौड़ाया जाता है, या जो पहले दिन का जो शेड्यूल होता है ट्रेनिंग का, या मैं अपना पहला दिन ट्रेनिंग का आपको शेयर करने वाला हूँ। साथ में आपको बताने वाला हूँ कि जो फोर्स में जो बंदा ज्वाइन करने वाला है उनका ट्रेनिंग का पहला दिन कैसा होगा, चाहे वो आर्मी ज्वाइन करे, चाहे बीएसएफ ज्वाइन करे, चाहे सीआरपीएफ ज्वाइन करे, चाहे सीआईएसएफ ज्वाइन करे, या किसी भी फोर्स में अगर वो ट्रेनिंग करने जाता है। हाँ, ज्वाइनिंग का पहला दिन नहीं बता रहा हूँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना। आपकी जो ज्वाइनिंग होती है वो पहले ग्रुप सेंटरों में या सेंटरों में होती है, जहाँ पर आपके बड़े सेंटर होते हैं केवल वहाँ पर ज्वाइनिंग होती है, वहाँ के आपके डॉक्यूमेंट्स वर्क होता है, ठीक है। आपकी ट्रेनिंग सेंटरों में होती है और वहाँ का जो पहला दिन होता है कैसा होता है, आपने कई ऐसी बातें सुनी होगी, बहुत सारी बातें सुनी होगी, या नहीं सुन लोगे जब ज्वाइन करने जाओगे तो सुन लोगे कि जो ट्रेनिंग उस्ताद होते हैं उनको मतलब यमदूत बोला जाता है और उनमें कोई दया भाव नहीं होता, जितने भी इंस्ट्रक्टर होते हैं उनमें आपके बाथरूमों में रस्से लगाएंगे उठने के लिए, बाथरूम करने के लिए, नहीं तो उठ नहीं पाओगे, मतलब इतनी ये झांग पकड़ लेगी इस प्रकार से कि मतलब वहाँ पर आपको पता चलेगा ट्रेनिंग में कैसे हैं, कोनियाँ घिस देंगे, खून निकलेगा हाथों से, ये चीज़ें आपने सुनी होगी कईयों ने, और कईयों ने नहीं सुनी है तो वो सुन लेंगे जब ट्रेनिंग जब ज्वाइन करेंगे, तब आपको ग्रुप सेंटरों में ये बातें सुनने को मिल जाएगी। लेकिन हाँ, एक बात सबसे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही खास जानकारियाँ देता हूँ मैं इस चैनल पर, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें ट्रेनिंग का पहला दिन या मेरा ट्रेनिंग का जो पहला दिन है उसके बारे में आपको बता दूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा आपको पूरे जीरो वीक में क्या क्या होता है। तो ट्रेनिंग का जो पहला वीक था या पहला दिन था मेरा, उस दिन क्या हुआ था दोस्तों, सबसे पहले जैसे हम जहाँ ग्रुप सेंटर में हमारी ज्वाइनिंग होती है वहाँ से एक ट्रेनिंग सेंटर डिसाइड होता है और वहाँ से फिर हमको ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाता है। तो ट्रेनिंग सेंटर में जाने के बाद में पहले दिन सबसे पहले जो कार्रवाई होती है, जैसे आपको सबसे पहले बैरक में बताते हैं कि यहाँ पर आपको रहना है, यहाँ पर आपका बिस्तर लगाना, आपको एक जगह दे दी जाती कि इस जगह आपको रहना है, ठीक है। वो जगह कुछ समय के लिए अस्थाई होती है, मतलब जीरो वीक तक वो अस्थाई होती है। स्थाई जगह मिलने के लिए आपको थोड़ा सा समय लगता है, वो कैसे मिलती है मैं बताऊँ आपको, पहले बैरक में बता देते हैं यहाँ पर आपको अपनी खाट लगानी है, यहाँ पर आपका मतलब बिस्तर लगाना है, यहाँ पर अपना सामान रखना है। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, उसके बाद में अगले दिन से जब पहला दिन शुरू होता है ट्रेनिंग में, आपको सुबह उठने के बाद में 4 बजे या 5 बजे जो फिक्स टाइम होता है, अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग टाइम होता है। अगर आप कश्मीर में हो तो वहाँ पर 5 बजेंगे, अगर आप नॉर्थ में हो तो 4 बजे आपको उठना पड़ेगा। उठने के बाद में सुबह आपकी होती है हल्की रनिंग, ठीक है। रनिंग करा के पहले दिन आपको पूरा का पूरा कैंप निरीक्षण कराया जाता है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सी ओ ऑफिस है, यहाँ पर डी आई जी ऑफिस है, यहाँ पर ये बैरक है, यहाँ फैमिली क्वार्टर है, यहाँ पर अपने और अदर जवान रहते हैं, यहाँ पर कोई बटालियन है, या यहाँ पर ये मोर्चा है, यहाँ पर ये सामान है, यहाँ स्टोर है। टोटल आपको निरीक्षण कराया जाता है पहले 2-3 घंटे आपको हल्की हल्की रनिंग कराई जाती है। उस रनिंग उस समय आपकी रनिंग जो होती है नॉर्मल रनिंग होती है, आपको रोक रोक के दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये आपका ग्राउंड है, यहाँ आप ट्रेनिंग करोगे, यहाँ आपका कोच है, यहाँ से हथियार लोगे, यहाँ ट्रेनिंग के लिए जाओगे, इस रास्ते को काम में लोगे ग्राउंड में जाने के लिए, यहाँ आपका सुबह मार्का लगेगा, इस जगह आप जाओगे, इस प्रकार से पहले बताया जाता है सबसे पहले दिन। और पहले दिन का काफ़ी डर बना रहता है तो सभी ऐसे हाँ दौड़ने में रहते हैं, जो वो बताएंगे उससे ज़्यादा दौड़ने में रहते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली दौड़ाया जाता है। उसके बाद में जब ट्रेनिंग का जैसे वो पहला उसको जीरो वीक बोलते हैं और पहला दिन होता है, उसके बाद में 9 बजे के बाद में नाश्ता करने के बाद में मतलब आपको फिर नाश्ते के लिए छोड़ दिया जाता है। नाश्ता करने के बाद में सबसे पहले आपको वर्दी पहनना सिखाया जाता है। वर्दी पहनना कैसे सिखाया जाता है कि पहले कौन सा जुराब पहनने चाहिए, पहले पैंट पहनना चाहिए, पहले शर्ट पहनना चाहिए, उसके बटन कैसे लगाने चाहिए, कैप कैसे लगानी चाहिए, बाजू का कैसे लगाना चाहिए, शर्ट को कितना अंदर डालना चाहिए, कितने बटन दिखने चाहिए, जैसे 3 बटन ही दिखने चाहिए वर्दी पहनने के बाद में। ये चीज़ें आपको वहाँ समझ में आएंगी, नहीं तो आपको पता घंगी भंगी पहन लेगा तो बुरा लगेगा। वर्दी को पहनने का एक तरीका होता है जो आपको वहाँ पर पहले डेमो दिया जाता है कि इस प्रकार से वर्दी को पहनना, इस प्रकार से बेस लगाना, इस प्रकार से वर्दी को फोल्ड करना, ये बाँह यहाँ तक होनी चाहिए, यहाँ पर आपका बेस लगेगा, टोपी इस प्रकार से लगेगी, ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाती है। बेच यहाँ का कैसे लगता है, आँख से कितना ऊपर टोपी होती है, ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाती है उस दिन। तो पूरा दोपहर तक का समय आपका इसी में निकल जाता है। उसके बाद में वापस खाना खाने के लिए आपको छुट्टी होती है। फिर 3 बजे जब आप वापस ग्राउंड में जाते हो खाना खा के, फिर आपको ग्राउंड में गेम के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर आप ये गेम खेल सकते हो। उसके साथ ही फिर आपके ग्रुप बनाए जाते हैं। फिर जैसे अगर आप 400 बंदे एक साथ गए हो तो आपके 20-20 के 20 ग्रुप बना देंगे,
20-20 बंदों का ग्रुप, जिसको स्क्वाड बोलते हैं ट्रेनिंग में, कि ये एक स्क्वाड हो गया। वो फिर स्क्वाड एक जो एक साथ स्क्वाड होता है वो पूरी ट्रेनिंग एक ही साथ रहते हैं और एक साथ ट्रेनिंग करते हैं ग्राउंड में और एक ही रूम में रहते हैं, ठीक है। फिर उनको ये एक नंबर स्क्वाड, दो नंबर स्क्वाड ऐसे डिवाइड करते हैं। वो किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, उनका एक अलग अल्फ़ाबेट पर भी कर सकते हैं, आपकी एज वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे लाइन बना के 1-2-1-2 ऐसे साइड में करके, ऐसे कर करके भी ग्रुप बनाए जाते हैं। और फिक्स एक ग्रुप जो आपका साथ ग्रुप बन गया स्क्वाड का, वो परमानेंट उसी स्क्वाड में रहेगा, उसका पूरा डिटेल उसी में रहेगा और वो पूरी ट्रेनिंग उसी ग्रुप के साथ करेगा, चाहे वो एक नंबर स्क्वाड में है चाहे 5 नंबर स्क्वाड में। तो इसके बाद में जब रगड़ा पट्टी कब शुरू होती है इसके बारे में, फिर जीरो वीक का जो काम होता है, जीरो वीक में जो काम होता है दोस्तों, उसमें होता है जीरो वीक में आपकी वो ट्रेनिंग में काउंट होती है जीरो वीक। हाँ, ये नहीं कि काउंट नहीं होती है, वो काउंट होती है जीरो वीक। तो उसके बाद में अगले दिन से आपका कैंप निरीक्षण भी हो जाता है, तो 2-3 दिन और भी आपको हल्का फुल्का निरीक्षण जहाँ बचा होता है वो। उसके बाद में आपकी ग्रुप रनिंग शुरू हो जाती है सुबह, और हल्की हल्की रगड़ा पट्टी शुरू हो जाती है, मतलब आपको मजबूत करने के लिए हल्का हल्का। लेकिन मैं बता दूं, पहले 3 वीक में आपकी कोई भी टाइमिंग से रनिंग नहीं होती है कि आपको कोई फिक्स टाइम दिया जाता है उसमें आपको रनिंग कंप्लीट करनी, पहले 3 वीक में नहीं होती है। हाँ, हो सकती है कि दूसरे वीक के बाद में एक बार हल्के 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की टाइमिंग से करा ले, सिर्फ आपको जाँचने के लिए। लेकिन 3 वीक तक, पहले 3 वीक तक आपकी कोई भी टाइमिंग से रनिंग नहीं होती है। और 12 वीक की जो ट्रेनिंग होती है, हाँ, 0 वीक में, उससे अगले दिन 3rd दिन क्या होता है मैं बता दूँ एक बार पहले, कि फिर बाद में सुबह की रनिंग वनिंग एक्सरसाइज होने के बाद में फिर आपकी ड्रिल स्टार्ट होती है, और जो कील शूज़ आपको मिलेंगे ग्रुप सेंटर पे उनका काम शुरू हो जाता है। फिर पूरे दिन आपकी ड्रिल चलेगी, सावधान विश्राम कैसे होते हैं, परेड कैसे करते हैं, सलामी कैसे देते हैं, सल्यूट करने का सही तरीका कौन सा। आपने देखा होगा अधिकतर लोग ऐसे सल्यूट करते हैं, जबकि सल्यूट करने के तरीके में ये है, ऐसे लगा रहता है, ऐसे करते हैं, ये बहुत ही गलत है। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे बिल्कुल माइनरिटी से सिखाई जाएगी कि किस प्रकार से ये सब करते हैं, आपको अच्छे से सिखाया जाता है पूरा। तो फिर पूरे दिन आपकी ड्रिल चलती है अगले 3 महीनों तक, ठीक है। शाम के समय में क्लास चलती है और सुबह के समय में ड्रिल चलती है 12-12:30 बजे तक पूरे दिन, और रनिंग मॉर्निंग में। और धीरे धीरे आपकी रगड़ा पिट्टी 0 वीक के साथ में शुरू हो जाती है, आपको एक्सरसाइज कराना शुरू कर देते हैं। तो उस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है पहले वीक में, उसके बाद में धीरे धीरे आप ढल जाते हो, 2-3 वीक के बाद में फिर आप धीरे धीरे ढल जाते हो, फिर आपको इस प्रकार की प्रॉब्लमें नहीं होती है। उसके बाद में 0 वीक जैसे आपकी ख़त्म होने लगती है, 3rd वीक से आपकी टाइमिंग से भी रनिंग शुरू हो जानी थी। अब ये रहता है कि रनिंग कितनी होती है, ये भी कईयों का सवाल रहता है। तो रनिंग में बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा इसे घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल रनिंग होती है, कभी 4 किलोमीटर, कभी 5 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर, नॉर्मल सी रनिंग होती है, इसमें कोई ज़्यादा रनिंग नहीं होती है। ये नहीं कि आपको 40-40, 50-50 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं, कोई पैरा कमांडो नहीं बना रहे आपको, बेसिक ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग में ज़्यादा रनिंग नहीं होती है। 5 किलोमीटर आप मान के चलिए, 5 से 10 किलोमीटर पहले 12 वीक तक आपके इससे ज़्यादा रनिंग नहीं होती है, नॉर्मल टाइमिंग से 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर मैक्सिमम रनिंग होती है। जितनी आप कर लोगे, अगर 2-3 वीक की ट्रेनिंग कर लोगे उसके बाद में इतनी रनिंग आप कर लोगे, फिर आपको रस्सा का सीरी सब चीज़ सिखाई जाती है। तो ट्रेनिंग का जो पहला दिन होता है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन होता है, चाहे मेरा बहुत ही मतलब खुश वाला दिन होता है कि क्योंकि आपका ट्रेनिंग का पहला दिन आपको भी अंदर से खुशी होती है कि आज मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। कईयों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन वो कोई बात नहीं, ट्रेनिंग में सब चलता है, धीरे 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 सब सेट हो जाता है। और पहले दिन की अलग ही खुशी होती है, आपको कैंप देख रहे होते हो, यहाँ पर अब मैं ट्रेनिंग करूँगा अगले 12 महीने, और हाँ संडे की रेस्ट होती है, तो संडे को रेस्ट मिलती है, आप आउट पास भी मिलता है, बाहर भी जाके आ सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ से आप जिस सिटी में रह रहे हो वहाँ पर एक क्वेश्चन और भी रहता है कि सर ट्रेनिंग सेंटर में शॉप रहती है कि नहीं रहती, सामान लेने के लिए सब सुविधाएं, सब सामान लेने के लिए ट्रेनिंग सेंटरों में शॉप रहती है, सब चीज़ें अवेलेबल रहती है, उसकी कोई चिंता नहीं है। और आप बाहर से भी मंगवा सकते हो, अपने फैमिली मेम्बर से कोई भी सामान अगर आपको चाहिए ट्रेनिंग में तो आप मंगवा सकते हो। तो दोस्तों ट्रेनिंग का जो पहला दिन रहता है, मेरे ख्याल से वो ज़िंदगी भर याद रहने वाला दिन होता है, क्योंकि आपको पहला दिन, हाँ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मन में डर भी रहता है ट्रेनिंग के पहले दिन, लेकिन आपको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा जितना आप बाहर सुनते हो ऐसा कुछ नहीं है। इजीली ट्रेनिंग स्मूथली शुरू होती है धीरे 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 धीरे, और धीरे धीरे वो हार्ड बनती जाती है, और आपको लेकिन आप उसके लिए तैयार हो जाते हो, धीरे धीरे आप तैयार हो जाते हो, फिर डड्डू चाल, फ्रंट रोल, फिर ऐसे आपको 5 बोलेगा आप 10 निकालोगे, आपको 10 का बोलेगा आप 20 निकालोगे, ऐसे मतलब आपका शरीर मजबूत हो जाता है ट्रेनिंग में, ठीक है। पूरे दिन यही तो करना है, और करना क्या, रगड़ा पट्टी तो करनी है, तो इसमें क्या शरीर मजबूत ही हो रहा है, उसमें कोई नुकसानदायक चीज़ नहीं होती। पिटाई के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि सर क्या ट्रेनिंग में पिटाई होती है, तो इसके बारे में क्या बताएं, आप सभी को पता है कि नहीं होती है, ठीक है। ट्रेनिंग में पिटाई विटाई कुछ नहीं होती, ऐसी कोई बात नहीं है, या कोई अफवाह कि ट्रेनिंग में पिटाई होती है, कोई एक दो बार लग भी जाए तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना, हमने भी स्कूल में खाए हैं अलर्ट स्कूल में खाए हैं, तो क्या है वो, कोई कभी कभार वो भी जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नॉर्मली आजकल नहीं होती है पिटाई, तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और होती है तो होती है, उसमें क्या ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है।
तो इस प्रकार से आपका ट्रेनिंग का पहला दिन और पहला वीक रहने वाला है, और पूरी ट्रेनिंग रहने वाली है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।